Next, it is known that atom contains protons, neutrons, and electrons. If the mass of the neutron is assumed to be half of its original value, whereas the proton is assumed to be twice of its original value, then the atomic mass of 14 carbon would be. तो हमें बोला गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इस कार्बन वो है 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है आपके 8. तो एज पर द न्यू एटॉमिक मास हमें क्या होगा, आपके जो 614C है उसमें आपका प्रोटॉन का जो है एज्यूम करने के लिए कहा गया कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास जो है वो हाफ हो जाएगा एंड आपका जो प्रोटॉन है उसका ट्वाइस. इसलिए प्रोटॉन 6 था तो मास ट्वाइस होने पे 4, और आपका न्यूट्रॉन क्योंकि 8 था तो उसका हाफ होने पे प्रोटॉन आपका 6 था इसलिए ट्वाइस होने पे 12, एंड आपका न्यूट्रॉन 8 था और हाफ होने पे 4 इसलिए 16. एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इंक्रीज तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन मास वुड बी 16 - 14/14, दैट इज 14.28% लेस, 14.28% मोर. तो आपका क्या है, यहाँ पे जो मास है वो बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ जाएगा वो बताना है. तो ये रहा आपका 14.28 मोर.